अस्सलाम गाइस, आज आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। ये गाय है एक, ठीक है, ये हमारे पास बहुत पुरानी गाय है। अब इस गाय के देखें, ये यहाँ पर एक ये हल्का सा मोटा मोटा हुआ हुआ है, ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप, ये हल्का सा मोटा मोटा हुआ हुआ है। ये रेड सर्कल दिख रहा होगा आपको, रेड सर्कल किया है, ये हल्का सा मोटा मोटा दिख रहा है। ये एक इसकी यहाँ पर सूजन थी, फिर यहाँ पर इसके यहाँ पर ये देखें, यहाँ से इसके पानी निकल रहा है, ये गर्दन के पास से इसका पानी निकल रहा है, गर्दन के नीचे से। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ से ना इसका ये यहाँ पर इसका हल्का सा होल हुआ हुआ है, यहाँ पर हल्का सा होल हुआ हुआ है, ये सर्कल करूँगा, ये यहाँ से पानी टपक रहा है, ये सारा देखिए, यहाँ से इसका ये गीला हुआ हुआ है, ये जानवर ना, ये इसका कुदरती पानी टपकता रहता है, ये होल इसका खुला हुआ, एक ये होल इसका खुला हुआ है तभी ये जानवर अकड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो इस जानवर के अंदर है थोड़ा प्रॉब्लम जहर बात का। इससे पहले इस जानवर का हुआ था, ये पूरा इसका जो फेस है ये पूरा सॉयल होकर इतना बड़ा हो गया था कि ये जानवर का एक फेस के बराबर दो फेस हो गए थे, ठीक है, दो फेस के बराबर उसके फेस हो गए थे। उसके बाद इसको हमने मसाले दिए, वो मसाले मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस जानवर के लिए, जो जानवर जहर बात में आए या जिस जानवर को इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो कि उसके अंदर जहर हो और वो नहीं निकल रहा हो। तो ये तीन मसाले मैं आपको बताऊँगा, आधा किलो लाल मिर्ची है, आधा किलो कोरतुम्बा है, आधा किलो काली जीरी है। इन तीनों को मिक्स कर लेंगे, ठीक है, इनके तीन पोर्शन बनाएंगे, तीन इन दोनों को मिक्स करके इनको तीन दिन देंगे आधा आधा किलो करके, ठीक है। तीनों आइटम को मिक्स करने के बाद हर डे एवरी डे थ्री डेज तक इसको देंगे। अब ये यहाँ पर ये देखें, ये जानवर किस तरह इसका यहाँ पर सुराख हुआ हुआ है, इसी वजह से जानवर का यहाँ से पानी निकलता रहता है, इसकी गंदगी निकलती रहती है, तो इसकी जिस्म के अंदर वो गंदगी नहीं रहती। अल्लाह ने कुदरती इसका निज़ाम करा दिया, अल्लाह ने इसको ज़िंदगी देनी थी, अल्लाह ने इसका इंतज़ाम कर दिया कि इसके अंदर ही एक सुराख कर दिया, इसके गर्दन के नीचे, ये इसका फेस है, इसके नीचे ये इसका फेस है, इसके नीचे यहाँ पर ये इसका होल है, ठीक है, यहाँ से इसका पानी टपकता है, ठीक है। और ये जानवर अल्हम्दुलिल्लाह दूध भी अच्छा देता और ज़िंदा हुए हुए कम से कम 8-9 महीने हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह ये गाय अभी तक ठीक है। अभी बीच में इसके फिर ये प्रॉब्लम आई थी, इसके यहाँ पर पहले इसके नीचे की तरफ हुआ था, इसके नीचे की तरफ ये जो है हिस्सा पहले इस तरफ हुआ था पेट की तरफ, ठीक है, अब इसका ये इस तरफ हुआ है, ये इस तरफ, ये राउंड देख रहे हैं, इस तरफ हुआ है। तो ये भी बहुत बड़ा था पहले, ये इतना बड़ा कम से कम हो गया था ये, उसके बाद करते 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 अब ये छोटा सा हो गया। तो ये बहुत 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 वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, ये हमें खुद 8 से 9 साल में मिली, ठीक है, तो ये बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन है। जिसको भी जिसके भी जानवर को इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो वो ये ट्रीटमेंट ज़रूर करे। इंजेक्शन तो बहुत सारे लगाते हैं लेकिन ये देसी टोटका ये बहुत कामयाब हुआ है। हमने और दूसरे जानवरों पर भी हमने ट्राई किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उन पर भी कामयाब हुआ। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।